हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे पार्थ, तुम शिव जी की पूजा कर रहे थे ना? हाँ मधुसूदन। जितनी बार तुमने शिवलिंग की पूजा की है और ये फूल अर्पित किए हैं, ये फूल इस किरात को समर्पित हुए हैं, इसका अर्थ तुम फिर भी नहीं समझ सके कि इसका अर्थ क्या है? नहीं। हे अर्जुन, साक्षात महादेव शिव शंकर ये किरात के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। हे अर्जुन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसा महावीर धनुर्धारी त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, हे पाशुपतिनाथ, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा और दीक्षा दीजिए। तथास्तु। देवी, अर्जुन केवल मेरा भक्त ही नहीं, मेरा सखा भी है। उसके लिए तो मुझे अभी भगवान भोलेनाथ से भी एक याचना करनी है। प्रभु अपने भक्त से याचना नहीं करते, आदेश देते हैं। देवादिदेव, यही आपकी महानता है कि आप ये भूल ही जाते हैं कि मैं आपका भक्त हूं और आप मेरे शिव। इस तर्क में क्या रखा है कि कौन किसका भक्त है? आप ये बताइए प्रभु कि आपने हमें किस कार्य से स्मरण किया है? हे कैलाशपति, मेरा मित्र, मेरा सखा अर्जुन इंद्रलोक में जाकर अपने पिता देवराज इंद्र से नाना प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुका है, परंतु ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आने वाले युद्ध में अर्जुन को भगवान परशुराम के शिष्यों से द्रोण, कर्ण और भीष्म आदि से लड़ना पड़ेगा। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। हे महादेव, आप तो जानते ही हैं कि भविष्य में कौरवों और पांडवों के बीच जो महायुद्ध होने वाला है, उस विनाशकारी महायुद्ध के लिए अर्जुन के पास दिव्य अस्त्रों का भंडार होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देवराज इंद्र के बाद मेरे सखा अर्जुन पर आपकी कृपा दृष्टि भी हो जाए, क्योंकि आपके कृपा दृष्टि के बिना कोई भी योद्धा विजयी कैसे हो सकता है? अतः हे महादेव, आप अर्जुन के गुरु बन जाइए। त्रिलोक में आपके जैसा गुरु दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन पूर्णतः करूंगा। मैं अर्जुन का गुरु अवश्य बनूंगा, परंतु। परंतु क्या महादेव? परंतु गुरु बनने से पूर्व मैं अर्जुन से गुरु दक्षिणा लेना चाहूंगा। कैसे गुरु दक्षिणा? शिक्षा देने से पूर्व मैं अर्जुन के बल, उसके शौर्य और उसकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूं, अर्थात वो मेरा शिष्य बनने योग्य है या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं। अवश्य महादेव, मुझे विश्वास है कि अर्जुन आपके परीक्षा की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरेगा। मेरे कहे अनुसार अर्जुन इस समय आपका शिष्य बनने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
रुक जाओ। इस बरा की ओर दृष्टि उठाकर भी न देखना, क्योंकि ये मेरा शिकार है। तुम्हारा शिकार? एक ही रात इस वराह का शिकार तो मैंने किया है। नहीं, इस वराह का शिकार तुमने नहीं, मैंने किया है, इसलिए इस पर अब मेरा अधिकार है। इस वराह पर केवल मेरा ही अधिकार है, मैंने इस पर पहले बाण चलाया था। तुम झूठ बोल रहे हो, इस पर बाण मैंने चलाया था, परंतु इसे पहले मैंने देखा था। नहीं, इसे देखा भी पहले मैंने ही था, इसलिए इसे मैं लेकर जाऊंगा। हे किरात, मैं तुम्हें अपना शिकार यूं ही ले जाने नहीं दूंगा। इसके लिए पहले तुम्हें मुझसे द्वंद्व युद्ध करना होगा। जो जीतेगा वो वराह को लेकर जाएगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यूं ही सही, हो जाए युद्ध। अपने आप को।
क्या अब भी तुम मुझसे युद्ध करना चाहोगे? हे किरात, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु फिर युद्ध करने से पहले मैं शिव जी की पूजा करना चाहता हूं। मुझे स्वीकार है। देव महादेव, हे पार्वती पति, मैं आपके शरण में आया हूं, मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। त्रिपुरारी, मुझे इस किरात को युद्ध में परास्त करने की शक्ति प्रदान कीजिए। शिवशंकर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सूदन, तुम हे पार्थ, तुम शिवजी की पूजा कर रहे थे ना? हां मधुसूदन। जितनी बार तुमने शिवलिंग की पूजा की है और ये फूल अर्पित किए हैं, ये फूल इस किरात को समर्पित हुए हैं, इसका अर्थ तुम फिर भी नहीं समझ सके कि इसका अर्थ क्या है? नहीं। हे अर्जुन, साक्षात महादेव शिव शंकर ये किरात के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने दिव्य रूप में मुझे दर्शन दीजिए।
हे अर्जुन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसा महावीर धनुर्धारी त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। हे पार्थ, साक्षात देवता भी यदि तुमसे युद्ध करने की भूल करेंगे तो उनके भाग्य में पराजय ही आएगी, अंत में विजय तुम्हें ही प्राप्त होगी। हे पार्थ, इसके अतिरिक्त तुम्हें और क्या चाहिए? हे भगवान, हे पाशुपतिनाथ, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा और दीक्षा दीजिए। तथास्तु। हे पार्थ, तुम कितने भाग्यशाली हो। साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। तुम दोनों अर्थात साक्षात नर नारायण जिस पक्ष में होंगे उसकी पराजय असंभव है, इसीलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए।